हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि जी केटरी। आज हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज हम वर्णमाला को एकदम तरीके से याद करेंगे, जिससे कि आपको ये कभी भूल ना पाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ वर्णमाला लाइफ टाइम के लिए, कि आप इसको भूलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभी पूछता है कि कंठ कहाँ से आता है, कंठ के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं, तालव्य में बताइए, मूर्धन्य में बताइए, दंत में बताइए, ओष्ठ में बताइए। तो ये हमें कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता है और हम एग्ज़ाम में अक्सर गलत कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। देखिए क्या है कि जैसे कि कंठ में जो हमारा पहला वर्ण आता है, क, ख, ग, घ और अणा, इसको हम अणा खाली बोलते हैं। तो ये हमारा जो होता है क वर्ग का व्यंजक जो होता है, जो कि कंठ से बोला जाता है। आप इसको बोल के भी देख सकते हैं, जैसे कि कंठ। जब आप क बोलोगे तो देखेंगे आप क, ख, ग, तो जो आपका जो कंठ है ये अंदर अंदर से वाइब्रेट करता है, तो ये हमारा कंठ का है। दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं होता है, अगर आपको आ से लेके ये आपको मैं तक याद है, तो भी मैं आपको ये अच्छे से बता दूंगा। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है, आपको क्या लिखना है, आपको एक बाइक आती थी KTM, तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए। देखिए जैसे मैं कंठ के आगे लिखता हूँ के, ठीक है दोस्तों, क्योंकि KTM बाइक थी और KTM का अच्छा लेटर आपको पता होना चाहिए। के बाद क्या था, टी, और टी के बाद KTM में हमारा टी के बाद एम आता है, ठीक है, ये हो गया एम, KTM, और फिर उसके बाद आता है डी, क्योंकि डी ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ, वन सेकेंड, इसको यहाँ पर हम डी बना देते हैं, डी, उसके बाद एच। ये दोस्तों बस आपको याद रखना है KTMDH, ये हमारी ट्रिक है। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन में आपको ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ ये लिखना है, और वो KTM को आपको याद रखना है, उसके सामने की एक बार रख देंगे। तो देखिए हम उसको कैसे याद करते हैं। के से क्या होता है, के से हमारा जो होता है वह होता है कंठ, तो के से क्या बना हमारा, के से कंठ बन गया। और जो हमारा टी से, टी से हमारा क्या होता है, टी से हमारा होता है तालु, और एम जो होता है हमारा ये हो गया मूर्धन्य, और डी से हमारा क्या बना, डी हम क्या बोलते हैं, तीत, तीत माने क्या होता है, दांत, ठीक है। एच से क्या बना हमारा, होस्ट, ओट, ठीक है। एच से हमारा क्या बन जाएगा, एच से ओट। तो ये आपको फिट एकदम दिमाग में बैठा लेनी है कि जब भी वर्णमाला से पूछा जाए कि कौन सा वर्ड कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, कहाँ से इसकी जो कि वाइब्रेशन या साउंड आती है, तो हम बस KTM को याद रखेंगे और देखेंगे कि कितने जल्दी से ये सॉल्व हो रहा है। तो देखिए जैसे कि हमें हमें क्या की लाइन पता है कि क, ख, ग, घ अड़ा होता है, च, छ, ज, झ अड़ा होता है, और टैट है, डैड है, अड़ा होता है। उसके बाद जो तय, थे, दे, धे, ने, और पै पतंग, फै फल, बै, भै, मैं, इस तरह से हमको याद रखना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको KTM में याद रखना है, तो के से आप लगा देंगे, के से क्या हो गया, कंठ, और कंठ में क्या होता है आपको पता ही है, क, ख, ग, घ अड़ा, तो कितने आसानी से याद हो गया। उसके बाद आता है टी, टी से क्या हो गया, मैंने आपको बताया था टी से तालव्य, यानी कि तालू, तालू से देखो चै, जब भी बोलेंगे तो जीभ जो है आपकी ऊपर वाली छत पर जाके लगेगी, तो चै, छ, ज, झ, अणा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा तालू। उसके बाद आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या है, यानी कि मैंने आपको बताया था KTM, अब एम आया, एम से मतलब मूर्धन्य, जो कि मुँह की छत की परत का अगला भाग होता है, तो क्या हो गया, टै, ठे, डे, ढे, अणा, देखिए। उसके बाद डी, डी से क्या बताया था मैंने आपको, तीत, यानी कि दांत, तो दांत की ऊपरी छत पर जो लगे, तो तय, देखो जब भी आप बोलोगे तो आपकी जो तीत है, यानी कि आपका जो होठ है, सॉरी जो जीभ है, ये हमेशा आपके ऊपर लगेगी। देखिए कैसे लग रहा है कि ये दांत को स्पर्श करेगा, जब भी आपको, जब भी आप डी वाला वर्ण बोलोगे दांत का, तो ये आपकी जो कि दांत पर लगेगा। तो तय तरबूज, थे थर्मस, दे दवा, धे धनुष, तो ये तय, थे, दे, धे, ने आप जब भी बोलोगे तो जीभ जो है जाके सीधा दांत को छुएगी। उसके बाद ओष्ठ, यानी कि होठ, तो क्या हो गया, पै, फै, बै, भै, मैं, यानी कि जब भी आप एच वर्ण बोलोगे तो एच वर्ण का जो भी है दोनों होठ आपस में आके छू जाएंगे। तो यही हमारी ट्रिक है, KTM याद रखना है जिंदगी भर, तो आप इससे जो कि वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आता है उसके बाद तालव्य, तालव्य में देखिए ती तालु के छत की, जो तालु होता है, तो तालु में दो वर्ण और याद रख लेना आप, श और य, ये भी हमारे तालु के होते हैं। वास्तव व्यंजक दो होते हैं, ये होता है हमारा स, र, ल, व, अब मैं आपको ये अपने आप याद करना है।
उसके बाद दंतोष्य जो कि हमारा ब है, दंतोष्य व्यंजक होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको ये अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है स्वरतंत्रीय, स्वरतंत्रीय हमारा सिर्फ एक होता है से हलकारा, ठीक है। ये हमारा है से है जो है, बस आपको ये रखना मंत्रा वाला नहीं, बिना मंत्रा वाला। उसके बाद क्षिप्त, जिसमें क्या होता है कि जिसके उच्चारण में जीव ऊपर उठ के झटके से नीचे लगे, यानी कि देखिए डे अड़े अड़े, यानी कि जब भी आप बोलोगे, जब भी आपका जो वर्ण जीव है दो बार ऊपर जाए फटाक से नीचे आए, तो आप समझ लेना क्या है, उदित। तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से हमने वर्णमाला को याद कर लिया, जो कि ज़्यादा देर भी नहीं लगी। बस आपको ऐसे ही वीडियो पर बने रहना है, मैं आपको हिंदी की ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकें। तो क्या था हमारी ट्रिक आज की, KTM जो कि वर्णमाला से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अब भी आपसे मैं फिर कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को दिल से लाइक करिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।